किचन में ना लंदन में लोग आने नहीं देते आपको, बहुत कम लोग आने देते। ये मेरी सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिव, जैसे वो एक पीछे वो मिस्टर इंडिया था, ये मिस्टर लंदन है, इसको कोई देख नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स योर बॉय अली बी मलिक। अब जो है हम लोग वापस आ चुके हैं, वीडियोस बनाएंगे और अभी ऑफिस में बैठा हूँ, शीशा पी रहा हूँ। दो तीन चीजें हैं जो करने वाली हैं, लेकिन वो जो आप लोगों को साथ साथ बताएंगे, जो चीजें आप लोगों को बतानी भी, जो टाइम जो है बीच में आ गया था वो उसकी वजह से हम लोग बिजी थे, वो आप लोगों को पता लगेगा किस वजह से बिजी थे, वो भी पता लग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। जैसे आपको पता है हम लोग काफी देर के लिए गायब हुए थे, अभी वापस आए हैं। हाँ जी, इतना गरीब नाला थोड़ा दूर हो जा। उसमें वेट कर रहा हूँ, चाय मेरी अभी भी गर्म है, धुआं निकल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मेरा ये मूड है कि अभी बाहर निकलें और कुछ खाने वगैरह के लिए जाएं, देखते हैं कुछ खाने के लिए क्या खाएं। वो जा रहे हैं रॉमफोर्ड रोड पे, रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, उन्होंने बेसिकली इन्वाइट किया है अली को और हमें कि उनका फूड रिव्यू करें, जाके देखते हैं क्या ठीक है। डन हो गया, डन हो जाएगा, डन हो गया, डन। हाँ जी बॉस। हाँ जी, चलो तो अभी निकालते हैं बिस्मिल्लाह करके गाड़ी। यार आप लोग सब कैसे हैं, खैरियत से हैं? काफ़ी टाइम के बाद जो है क्या नाम है वीडियो बन रही है व्लॉग की, आप लोग बताएं आप लोग सारे कैसे हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या रिपोर्ट है, मेन चीज़ तो ये है क्या रिपोर्ट है। हाँ यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो शेयर कर दो दोस्तों को, और वो एक और भी डायलॉग होता है, क्या होता है, बेल आइकन को प्रेस कर दो तो कोई वीडियो आएगी तो आपको पता लग जाएगा। टाइम के बाद व्लॉग डाल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह भी रेगुलर रहेंगे, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करेंगे। इसको पकड़ लो, मैं बोल रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ मना कि इतना एक्साइटेड ना होना, इतना एक्साइटेड हुआ है, इतना होना बनता है, इतना एक्साइटेड हुआ, मान ले बात। चलो जी, हम अभी आ चुके हैं तो अभी देखते हैं कि खाना कैसा है, आ जाए। स्ट्रीट पे आए अभी, जो ओनर इधर के उनसे बात हुई है और बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है मुझे, बिल्कुल डिफरेंट सी शॉप है, ऐसी शॉप मेरे ख्याल में यूके में नहीं देखी है किसी की भी। ये इधर कंटेनर लुक दिया हुआ है इन्होंने, अमेरिकन चीज़ जैसे कि होती है ना, उस तरह का फील आ रहा है। अच्छी मैक्सिको यूएसए, अच्छा मैं सही था यार, ये देखो ये एक्चुअली मतलब वो वाला है कैलिफोर्निया। आप भी कुछ बोले ना, लाइक कैमरे में देख के क्यों बोल रहे, उसको देख के बोलो। ये वो बड़ी फिल्म है भाई। 12 स्ट्रीट आए हैं, अभी फूड आती है और अभी बदर भाई से मिलवाते हैं जो कि ऑनर है इस जगह के, वेरी यू नो वन गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स एंड ही माइट अस। अभी रिसेंटली ओपन किया उन्होंने, 21st ऑफ दिस मंथ फरवरी को हमने ओपन किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने में आ रहा है, तो अभी फूड वगैरह टेस्ट करते हैं। मैं तो पहले आ चुका हूँ ऑलरेडी, तो इन्विटेशन था अली वगैरह के लिए, तो हमको लेके आया हूँ। यार मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ और सोच रहा हूँ, हम लोग ना अंदर किचन में जाएं इनके और देखें खाना कैसे बनता है अंदर, मेरी ये सोच है, लेकिन अब देखें उनसे पूछें अगर वो अलाउ करते हैं तो बड़ा मज़ा आएगा, पता है अंदर से अमेरिकन फूड कैसा बनता है ये देखना चाहता हूँ। बदर भाई जो है वो भी आएंगे अंदर, कुछ बना रहे हैं वो स्पेशल हमारे लिए, उन्होंने कहा आने वाले उनसे भी आपको भी मिलवाते हैं, फिर वो आपको बयान करेंगे कि इस अमेरिकन जो फ्रेंचाइज है उसके पीछे क्या राज है। सवाल ये है, बदर भाई हैं जी, बताएं हमें आप कि आपको आइडिया कैसे मिला या सोचा कैसे आई सोच। आइडिया ये था कि पहले हमारा जो है हमने स्टार्ट करना था अपना पिज़्ज़ा शॉप का जो है ना, वो सोच रहे थे, लेकिन हमने फिर सोचा बैठ के भाई के साथ कि यार कोई अलग चीज़ लाइक पिज़्ज़ा हर जगह है, कोई अलग चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो उससे फिर ये आइडिया है यार, ये शेक आजकल शेक, कुकी डो, डोनट और ये जो बर्गर्स हैं अमेरिका में बड़ा फेमस है लाइक 12th स्ट्रीट,
इसलिए ये आइडिया आया, किसी का डिस्कस किया, तो इसलिए हम जो है आइडिया। वैसे आप हैं कहाँ से, पाकिस्तान कहाँ से हैं? पाकिस्तान में बॉर्न एंड ब्रॉट अप कराची। अच्छा, पता लग रहा है मुझे आपके एक्सेंट से, क्योंकि आपका और मेरा एक्सेंट जो ना वो सेम लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं जो है हां बिलोंग मैं करता हूं अहमदाबाद। अच्छा जी, लेकिन आप पैदाइश और बॉर्न एंड ब्रॉट अप कराची? कराची जी। सही है भाई, जबरदस्त। तो अभी नेक्स्ट जो ब्रांच है मेरे ख्याल में कराची में भी खोलेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ मिल गए। केशन RM5 3NX कोलियर रोड नंबर 4 रॉमफोर्ड। यस रॉमफोर्ड 12th Street। देख ले, अभी ये बदर भाई हैं, बदर भाई ने जो है खोल दिया है क्या नाम है रेस्टोरेंट, और जो टेक अवे है इनके भी आप ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऊबर पे, यूबर ईट्स पे या डिलीवरू पे। कहाँ जा रहे हो? ये निकाल दो बीच में से भाई। मेरे किचन में ना लंदन में लोग आने नहीं देते आपको, बहुत नहीं आने देते। ये मेरी सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिव, जैसे वो एक पीछे वो मिस्टर इंडिया था, ये मिस्टर लंदन है, इसको कोई देख नहीं सकता। ये ज़्यादा नाच रहा है, डांस कर रहा है, इनके सीन ताकि आपको हाइजीन का पता चलेगा कि कितने सफाई से फूड बनती है और अमेरिकन फूड कैसे बनता है। अगर आप आते हैं लंदन में अमेरिकन फूड का मज़ा लेना है अगर आपने, तो 12th Street अभी फूड जैसी रेडी होगी इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। ठीक है, किचन के सीन इतनी भूखी लगी हुई थी, लेकिन खाना बनते हुए जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे एक्चुअली भूख लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है। अभी देखते हैं कैसे खाने में कैसे लगेंगे। कहीं भी हो तो आपको किचन के अंदर जाने नहीं देते इस तरह, लेकिन एक्सक्लूसिवली उन्होंने हमें जाने दिया, थैंक यू बदर भाई के लिए। और लेकिन अंदर सफाई भी बहुत थी, मैं सिर्फ ये चीज़ को मेक श्योर करना चाह रहा था कि जब एक बंदा बाहर की कंट्री अगर कोई फ्रेंचाइज लेके आ रहा है तो वो खाना किस तरह बन रहा है, सफाई से बन रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा खुद का भी रेस्टोरेंट है, तो इस वजह से मैं ये चीज़ नोट करना चाह रहा था। लेकिन अंदर वाकई माशाल्लाह बड़ी सफाई है और मेरा दिल खुश हुआ है देख के। वेरी नाइस, डिफरेंट टेस्ट है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप उनको बोलें स्पाइसी, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है, तो मैंने इनको कहा था स्पाइसी बनाएं और बहुत ज़बरदस्त है। बहुत टेस्टी है, आप लोगों को आके ट्राई करना चाहिए। विंग्स सॉसी है, पर एक डिफरेंट जो टेस्ट है ना ये ज़बरदस्त है और मज़ा आ रहा है खाने में। एक्चुअली ये तो मेन चीज़ है हेल्दी, क्योंकि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं डाइट कर रहा हूँ आजकल, इसलिए मैंने कुछ मीठा नहीं याद रखना। ये कल बताएगा। इट्स वेरी नाइस यार, ये आपको कहता हूँ कि ये आके ट्राई करो। फिल चीज़ स्टेक बर्गर, इट्स लाइक अ लेकिन इसका जो टेस्ट सॉस के अंदर है ना, उसके साथ जो ऑनियंस हैं, ग्रीन पेपर्स हैं इसके अंदर, और जो इनकी स्पेशल सॉसेज जो उन्होंने अंदर डाली हैं, अमेजिंग है। बट इस वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट ने बताया कि बोला कि वो बना कर दें कि चिकन इसमें चिकन बाइट्स हैं, उसके ऊपर पेरी पेरी सॉस है, बफलो सॉस चिकन देन कोल्सलो। मैंने किसी को भूख नहीं देखा था, मुझे एक्चुअली भूख खुदा की कसम मुझे भूख नहीं थी, खाना खा चुका था, लेकिन इतना मजा खाना है। और ये विंग्स अमेजिंग यार, विंग्स तो वैसे ही आपके बहुत पसंदीदार होते हैं, बेस्ट है ब्रो जी। ओवरऑल जो है खाना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और मैंने इतना खा लिया है, उसके बाद मैंने ये मिठाई मंगा लिया था, कुकी डो मंगा लिया था,
ये भी खत्म किया है मैंने, तो मैं इतना ओवरलोडेड हो चुका हूँ। आज जिम में जाके मेरे ख्याल में मुझे 20 मिनट रनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले एक रात को पहले ही मैंने न्यूट्रेला का जार लेके बैठ गया था, उससे ही मैंने खाया। खाना बहुत मज़ेदार था माशाल्लाह, और बदर भाई से बात करके बड़ा मज़ा आया। खाना बहुत मज़े का था, लाइक मैंने बर्गर भी जल्दी जल्दी खाया, मैं बोला नहीं, मैं बस खाता रहा। बदर भाई थैंक यू। खाना आपने अपने नसीब का खाया, और आपका यहाँ नसीब लिखा हुआ था, तो अल्लाह आपको लेकर आया, और इंशाल्लाह पाक आपको भी बरकत दे। आप लोगों ने टाइम निकाला, कोई मसला नहीं। और थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, थैंक यू। थैंक यू बदर भाई। मलिक साहब आपका भी शुक्रिया, आपको शुक्रिया कि आप लोग आए, आप लोगों ने टाइम दिया यार। इंशाल्लाह मिलते हैं। मैंने जो ना एक बात आप लोगों से करनी थी, पता है क्या कहते हैं, तारीफ वो होती है जो सामने ना करो पीठ पीछे करो, तारीफ उसे कहते हैं। ठीक है, खाना बहुत अच्छा, नो डाउट बहुत अच्छा, डिजर्ट्स, उनकी प्रेजेंटेशन, कस्टमर सर्विस, ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त जो है ना खाना था। आप लोग भी जाएं, फैमिलीज के साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, जाके टेस्ट करके आएं, उसके बाद आप मुझे आगे बताएं कि आपको खाना कैसा लगा, तो आप खुद भी इस चीज़ पे बिलीव कर पाएंगे कि यार जो अली ने बोला था वो वाकई सच्ची बात थी। ज़रूर आप आएं, अपने फ्रेंड्स के साथ आएं, फैमिली के साथ आएं, विजिट करें जगह को, और अच्छा एटमॉस्फेयर है। देख रहे हैं आप, खत्म करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। न्यू सब्सक्राइब अस चैनल, देखिए अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करो चैनल को यार, समझ रहे हैं। थैंक यू।